नमस्कार, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी है वहाँ पे कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों? आज बात करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 4 की, जिसका शीर्षक है माँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस प्यारी सी कविता को और देखते हैं क्या कुछ खास है इस अध्याय में। सबसे पहली पंक्ति में लिखा है, मेरे साथ साथ दोहराइएगा, माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। सही बात है ना बच्चों, माँ की बात ही कुछ और होती है ना। माँ बहुत ही भोली भाली होती है ना। भोली भाली का मतलब क्या होता है? यानी कुछ भी बात अगर माँ से हम कह देते हैं तो माँ हमारी बात पर झट से विश्वास कर लेती है ना। और फिर पूछती है, अच्छा ऐसा हुआ था। इसी को भोलापन कहा है। माँ हमारा कितना ख्याल रखती है बिना किसी स्वार्थ के। इसके बाद लिखा है, दिल से सच्ची मिसरी जैसी। यानी बच्चों, माँ जो है वो हमारा बहुत ध्यान रखती है, बहुत ख्याल रखती है और दिल से कैसी है, बहुत ही सच्ची है। आगे लिखा है, सारे जग से न्यारी हो। ये बात तो बिल्कुल सच है बच्चों, है ना। जितना प्यार हमसे हमारी माँ करती है दूसरा कोई नहीं करता। जितना ख्याल हमारा हमारी माँ रखती है दूसरा कोई नहीं रखता, है ना। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखा है, मेरे मन में जोश तुम्ही से। हम अक्सर कई बार बच्चों जब हार जाते हैं, है ना, किसी प्रतियोगिता में, या हमारे कम नंबर आ जाते हैं परीक्षा में, तो हमेशा माँ ही हमें जो है हमारी हौसला अफजाई करती है। यानी हमें कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर अच्छा करना, है ना। इस तरह से तो माँ के होने से मन में क्या होता है बच्चों, जोश होता है। आगे लिखा है, तुमसे ही प्रकाश है। और जब हम घर जाते हैं तो घर घर लगता है, किसकी वजह से, माँ की वजह से। अगर घर में माँ ना हो, कहीं बाहर गई हो, तो फिर हमें अपना घर घर जैसा नहीं लगता, है ना। तो माँ के होने से घर हो या जीवन हो, दोनों में ही क्या होता है बच्चों, प्रकाश होता है। इसके बाद लिखा है, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। और माँ जो है हमेशा हमें हिम्मत देती है, तो हम में जो साहस आता है, जो हिम्मत आती है, वो किससे आती है, माँ से ही आती है। और फिर हमें विश्वास हो जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, परीक्षा में सफल भी हो सकते हैं। तो ये प्यारी सी कविता हमारे लिए अनुभव राज ने लिखी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर और सबसे मनोरंजक हिस्से पर भी। और वो हिस्सा कौन सा है? वो हिस्सा है बच्चों इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। अब देखिए, यहाँ पर शब्दों का खेल हमारे सामने दिया हुआ है। लिखा है क्या, चंद्रबिंदु का कमाल। अब बच्चों चंद्रबिंदु क्या होता है, देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। ये जो आँख लिखा हुआ है ना, इस पे ये जो बना हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं आपके सामने। ये, इसको हम कहते हैं चंद्रबिंदु, ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब देखिए, माँ, अगर माँ में आ की मात्रा लिखेंगे तो हम इसे माँ पढ़ेंगे, तो माँ के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से माँ हो जाता है। आइए कुछ और शब्द देखते हैं, है ना। ये जो माँ के ऊपर आ की मात्रा लगी है ना बच्चों, इसको आप नाक बंद करके भी बोल सकते हैं, माँ। लेकिन अगर आपको माँ बोलना है, मम्मी को, है ना, माँ बोलना है, तो चंद्रबिंदु लगानी पड़ेगी और नाक बंद करके आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है आँख, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, आँख। आँख पे चंद्रबिंदी लगी है ना, और इन्हें लिखने का प्रयास करना है। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आँख कैसे लिखी है मैंने, ये, ठीक है। फिर बाँस लिखा है, इस तरह से बाँस लिखेंगे आप, ब में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदी और स खली स। ऐसे ही आपको दांत भी लिखना है बच्चों, है ना। फिर बांसुरी लिखेंगे आप इसी तरह से, ब में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदी, स में छोटा ऊ की मात्रा और र में बड़ी की मात्रा। इसी तरह से फिर आपको सांप भी लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे लिखा है, माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कीजिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियाँ लिखिए। अब देखिए कौन कौन से शब्द, भोली भाली, प्यारी प्यारी, दिल से बच्ची, जग से न्यारी। तो बच्चों मैंने कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है, प्यारी प्यारी माँ तुम भोली भाली, दिल से बच्ची, जग से न्यारी, घर की खुशियों की तुम संगिनी, पिता संग तुम लगते जीवन की रंगीनी। है ना भाई, घर की जितनी भी खुशियां हैं वो उसमें माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। तो इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है। आगे लिखा, भाई बहन की तुम दुलारी, सबके दिलों में बसी प्यारी, तुम्हारी हंसी में बसे जीवन के रंग, तुम बिन सूना हर एक अंग। तो कहने का मतलब ये है कि माँ के होने से जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, है ना। एकदम रंग बिरंगा जीवन है बच्चों, है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके दिलों में बसती है माँ, भाई बहन की भी प्यारी है ना, इस तरह से। तो बच्चे, ये पंक्तियाँ परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति प्यार और सम्मान को व्यक्त करती हैं और माँ कविता के शब्दों का प्रयोग करके सुंदर भावनाओं को क्या करती हैं, साझा भी करती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि इसके जो छोटे छोटे थोड़े से प्रश्न उत्तर दिए थे उसे किस तरह से हमें हल करना है। आप खूब सारी पढ़ाई कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए। मेरी मुलाकात आपसे फिर जल्द ही होगी बच्चों, नई कहानी के साथ, नए पाठ में, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।